स्वागत है आपका एक बार फिर से निक्की एसोसिएट्स में, और आज मैं आपके लाया हूँ एक 40 गज का जड़ से बना हुआ मकान, जो कि हमारा नया ही बना हुआ है ऑलमोस्ट, बट थोड़ी सी सफाई इसमें कराना बाकी है, तो सफाई से पहले का शूट है ये, तो जो नीचे की डस्टिंग है उसको माइंड मत करना, बट मकान जो है काफ़ी अच्छा बना रखा है। अगर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से डिस्टेंस की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 800 से 900 मीटर का आपका डिस्टेंस जो है रहने वाला है। काफ़ी अच्छी गली है, आप कार अपने घर के आगे खड़ी कर सकते हैं और बाइक अंदर खड़ी कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिलने वाला है इस मकान में, और काफ़ी सुंदर बना हुआ है। आइए चलते हैं बाहर, पहले इसकी फ्रंट एलिवेशन देखते हैं और फिर एंटर करते हैं अपने इस सुंदर से मकान में। तो आ चुके हैं हम अपने मकान की फ्रंट रोड पर, आप देख सकते हैं 20 फीट की आपको वाइल्ड यहाँ पर रोड मिलने वाली है, और सामने ही हमारा जो मकान है वो रहने वाला है। आप देख सकते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन, टाइलों का काफ़ी अच्छा इसमें काम कर रखा है फ्रंट एलिवेशन पे, इसकी आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा ये बना रखा है। रोड से अगर मैं बात करूँ तो रोड से काफ़ी उठा हुआ मकान ये आपका रहने वाला है, और बाइक वगैरह आप ईजिली अंदर लगा सकते हैं और कार अपनी यहाँ पर ईजिली आप खड़ी कर सकते हैं। तो आइए, जैसा कि मैंने कहा कि बाइक वगैरह आप ईजिली यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, और बाइक वगैरह के लिए यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है मिलने वाला है। आप अपनी बाइक यहाँ भी खड़ी कर सकते हैं और यहाँ भी जीने के नीचे खड़ी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो समर सीवर यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ है, और BSES का जो मीटर है वो भी पहले से यहाँ पर इंस्टॉल है। जो मीठे पानी के कनेक्शन है आपकी मोटर वगैरह यहीं पर रहने वाली है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इस एरिया को बनाएं तो अपने आप बैठक बना सकते हैं ईजिली, जो जैसे कि गेस्ट रूम कहते हैं जिसको, आप वो लिविंग एरिया बना सकते हैं इसको, या जो भी आपका मन करे आप वो बना सकते हैं, आप इसको बेडरूम बना सकते हैं। और अगर मैं काम की बात करूँ तो यहाँ पर भी प्रॉपर काम कर रखा है आपके बेडरूम जैसा, जैसे कि POP डिज़ाइन हमने ऊपर यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो पेंट वगैरह एक बार और हम यहाँ पर आपको करवा के दे देंगे। प्रॉपर वेंटिलेशन वाला ये जो हमारा मकान है रहने वाला है, यहाँ पर आपको विंडोज़ वगैरह मिलने वाली है, यहाँ पर अपना AC वगैरह आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे AC का पावर स्विच हमने दे रखा है। जितना भी काम कर रखा है ऑल ओवर ब्रांडेड काम कर रखा है इसके अंदर। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आप पार्किंग एरिया लिविंग एरिया इसको बना सकते हैं इस एरिया को। अगर एक स्टेप और बढ़ते हैं तो एक हमने को बेडरूम और मिलता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिलने वाला है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने आपके एक्स्ट्रा स्टोरेज जो आपकी रहने वाली है वो आप यहाँ पर अपने रख सकते हैं, और ऊपर की तरफ हमने POP डिज़ाइन जो है बना के दिए आपको सीलिंग पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप अपना विंडो AC लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको विंडो जो है मिलने वाली है। अगर मैं इस गेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको शाफ्ट मिलने वाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शाफ्ट मिलने वाली है, तो शाफ्ट भी इस रूम में जो है मिलने वाली है, जिससे आपको वेंटिलेशन या घुटन या सफोकेशन का कोई चांसेस नहीं रहने वाले। और इसके साथ में ही वॉशरूम रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि साथ में ही शाफ्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके यहाँ पर शाफ्ट है, यहाँ पर आप अपने एग्जॉस्ट फैन जो भी है आप लगा सकते हैं यहाँ पर ईजिली, और काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर वॉशरूम में भी मिलने वाला है। और टाइल्स की अगर मैं बात करूं तो एंड टू एंड तक टाइल्स यहां पर हमने लगा रखी है वॉशरूम में, आप देख सकते हैं। अगर जितने भी टैब्स वगैरह की बात करूं तो ऑल ओवर ब्रांडेड टैब्स वगैरह हमने लगा रखे हैं। यहां पर आपका शावर एरिया रहने वाला है, गीज़र आपका, यहां पर आप 15 से 10 लीटर का आराम से आप अपना गीज़र जो है लगा सकते हैं। वॉश बेसिन भी हमने आपको यहाँ पर वॉशरूम में लगा के दिए, जैसे कि मोस्टली आपने देखे होंगे कि किसी किसी में नहीं होता, बट यहाँ पर हमने लगा के दिया है। और वॉशरूम के साथ में हमारा स्टेयर्स एरिया आ जाता है, तो आइए चलते हैं। अगर स्टेयर्स एरिया की भी बात करूँ तो काफ़ी अच्छा आपको साइज़ यहाँ पर स्टेयर्स का मिलने वाला है, 40 गज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा स्पेस देने की यहाँ पर हमने कोशिश करी है। SS की प्रॉपर यहाँ पर हमने ग्रिल वगैरह लगा रखी है। अगर मैं बात करूँ दिशा की तो काफ़ी अच्छी दिशा में ईस्ट वेस्ट में आपका मकान जो है रहने वाला है, तो काफ़ी अच्छी सनलाइट आपको प्रॉपर यहाँ पर जो है मिलने वाली है। और जैसे कि ईस्ट वेस्ट में काफ़ी लोग लेना पसंद करते हैं मकान, तो आप देख सकते हैं SS की जो ग्रिल है हमने पूरी छत तक यहाँ पर काम कर रखा है SS का। और हम आ चुके अपने फर्स्ट फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर आते ही हमें
एक कमरा ये देखने को मिलता है, इसका भी रूम साइज काफ़ी अच्छा है। आप सिंगल बेड इसमें इजीली लगा सकते हैं, आप इसको अपने बच्चों का रूम इजीली बना सकते हैं, जैसे किड्स रूम इसको बना सकते हैं, या फिर आप इसको गेस्ट रूम बना सकते हैं अपना, आप इसमें अपना सिंगल बेड लगाएं तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है। ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो फोर सीलिंग हमने इसके अंदर कर रखी है, और यहाँ पर आपको डबल पल्ले में हमने विंडो दी है। आप देख सकते हैं एक साइड यहाँ पर जो मस्कीटो जाली होती है वो लगा रखी है, और एक तरफ आपको जो नॉर्मल हमारे होते हैं पल्ले वो मिल जाते हैं, तो टू साइड पल्ले आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर आप अपना विंडो एसी इजीली लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हमने पावर प्लग आपको दे रखा है, और यहाँ पर हमारी बालकनी रहने वाली है। आप देख सकते हैं, अगर मैं बालकनी की बात करूँ तो ज़्यादा स्पेस ना, 2 फीट का आपको अच्छा स्पेस यहाँ पर बालकनी पर मिलने वाला है, और यहाँ पर भी हमने टैप वगैरह आपको अगर बालकनी वगैरह धोनी है तो दे रखा है। अगर बालकनी में बात करूँ तो टाइल्स का प्रॉपर वर्क हमने यहाँ पर किया हुआ है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ जाने से पहले आपको मैं किचन दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं किचन भी, किचन का स्पेस जो है काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर स्पेस जो है मिलने वाला है किचन का। आप देख सकते हैं एल टाइप की प्रॉपर हमारी किचन जो है रहने वाली है, और प्रॉपर मॉड्यूलर किचन ये हमारी रहने वाली है। चिमनी हम आपको इसके अंदर लगा के देंगे, चिमनी का एग्जॉस्ट हमारा वहाँ से रहेगा और वो छत पे बाहर निकलने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि घुटन आपको लगेगी। तो एग्जॉस्ट की जगह हमने प्रॉपर पहले से ही बना रखी है क्योंकि मॉड्यूलर किचन है। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जैसे चाहे ऊपर के कैबिनेट्स हो हमारे, चाहे नीचे की बास्केट्स वगैरह हो। आप देख सकते हैं प्रॉपर मॉड्यूलर किचन जिसे कहते हैं, प्रॉपर आपको मॉड्यूलर किचन यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं स्टोरेज की भी बात करूँ तो काफ़ी अच्छे आपको नीचे भी स्टोरेज यहाँ पर मिलने वाली है, और आपका बर्तन धोने का जो सेपरेट जोन है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना आरओ जो है इंस्टॉल कर सकते हैं ईजीली। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और आपको सेकेंड बेडरूम से भी अपने मिलवाते हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड बेडरूम है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस है, डबल बेड आप इजीली इसमें लगा सकते हैं, और आप ऊपर भी देख सकते हैं कि फोर सीलिंग वगैरह प्रॉपर हमने यहाँ पर करा रखी है। अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ तो आपने, जैसे मैंने कहा था कि नीचे मैं आपको शाफ्ट नहीं दिखा पाया, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉपर शाफ्ट यहाँ पर मिलने वाली है। आप देख सकते हैं कंप्लीट शाफ्ट आपको यहाँ पर मिलती है। विंडो एसी आप अपना यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हमने आपको पावर पॉइंट जो है दिया है, और यहाँ पर भी आपको डबल पल्ले की जो है वो मिलता है विंडो। और आइए बढ़ते हैं आगे, अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो जो रूम्स है हमारे वहाँ पे हमने वेट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग दी है, जो हमारा जीना वगैरह है वहाँ पर हमने मार्बल जो है यूज़ किया है। ये थोड़ा वॉशरूम जैसे कि गंदा है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी कि यहाँ पर भी अच्छा स्पेस, जैसे नीचे स्पेस था वैसे स्पेस आपको मिलने वाला है। टाइल्स प्रॉपर हमारे लगा रखी है यहाँ पर, और गीजर पॉइंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, काफ़ी स्पेसियस आपको ये वॉशरूम भी मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं अपनी रूफ की तरफ, आपको रूफ भी दिखा देते हैं। अगर स्टेयर्स की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा काम जो है स्टेयर्स पर भी हमने कर रखा है। आप यहाँ पर अपनी लाइट्स वगैरह जो है, नाइट लाइट्स आप ईजिली यहाँ पर लगा सकते हैं। आइए, तो बाकी आ चुके हैं हम अपनी रूफ पे। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा स्पेस आपको रूफ पे भी मिलने वाला है, आप अपना छोटा मोटा जो फंक्शन है वो इजीली रूफ पे भी कर सकते हैं, तो काफ़ी स्पेसेस आपको रूफ मिलने वाली है। जैसे कि मैंने कहा एग्जॉस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है, और यहाँ सर यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं शाफ्ट जो है आपकी बना रखी है, और यहाँ पर हमने 2 टंकी दी है आपको, मतलब 1000 लीटर की टंकी हमने लगा रखी है, और काफ़ी अच्छा काम करने की हमने इस मकान में जो है कोशिश करी है। आप देख सकते हैं एसएस का पूर्वपूरक काम यहां पर कर रखा है, और ये एसएस ऐसा है कि इसमें जंग नहीं लगेगा, काफ़ी अच्छा इसकी क्वालिटी है रहने वाली है। और आप देख सकते हैं पूरा एरिया एक बारी प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया रहने वाला है। तो देखा आपने मेरा ये 40 गज का जड़ से बना हुआ मकान, आशा करता हूँ आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है, और मेट्रो से प्रॉपर 800 से 900 मीटर पर ये मकान जो है
रहने वाला है, मेन मेट्रो द्वारका मोड़ से 800 से 900 मीटर पर रहने वाला है ये मकान। काफ़ी अच्छा ये बना हुआ है जैसा कि आपने देखा, और आप विज़िट करना चाहें तो आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं आप इन पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दे मुझे, नमस्कार।